जब इन पर से लोग निकलते हैं तो इनके जो नाम पर ब्रज की रज लगती है, और जैसे हर एक एक इंसान इन मैया जो है जल लेके जाती थी, कान्हा जी के लिए खाना बनाती थी, यही वो प्राचीन कुआं है। ये बीच में देखिए ये फूल है बस इतने हिस्से में, है ना। यहाँ पर भी कोई ये डिजाइन है, ये देखिए पुराने जैसे हमारे मंदिरों में डिजाइन होती है उस तरह की ये डिजाइन यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि इन पर बहुत आक्रमण हुआ है ना। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनको मथुरा से गोकुल ले गए थे, और गोकुल से वसुदेव जो है वहां से योग माया को लेकर मथुरा लाए थे, और योग माया को कंस ने जब जमीन पे पटक के मारा तो वो आसमान में उड़ गई, और आकाशवाणी हुई कि जिसको तू मानना चाहता है उसका जन्म तो हो चुका है। आज हम गोकुल में उसी स्थान पर आए हैं जहां पर कि योग माया का जन्म हुआ है। ये देखिए आप, ये जो ऊंचाई पे जो आपको जो मंदिर दिख रहा है ये प्राचीन योग माया का मंदिर है। आज ब्रज दर्शनम चैनल पर मेरे साथ में आप मानसिक रूप से दर्शन करेंगे प्राचीन योग माया मंदिर, प्राचीन योग माया मंदिर गोकुल में, जो कि 84 खंभा के एकदम पास है। तो चलिए आइए दर्शन करें। तो लगभग 10-15 सीढ़ी चढ़ने के बाद में ये ऊपर जाके जो है नंद किला, यशोदा भवन और प्राचीन जन्म स्थान योग माया, ये अंदर जाके आपको मैं दर्शन कराऊंगा सीढ़ियां चढ़ के। आप जब आते हो तो पहले मैं बाहरी हिस्सा दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मंदिर के अंदर के दर्शन कराऊंगा। और बाहरी हिस्से में अगर आप देखोगे ना ध्यान से, देखो इनको पास से देखो, ये गणेश जी हैं, और यहाँ पे ये देखिए, इनको ध्यान से देखिए जरा, क्योंकि इन स्थानों पर जो है आक्रमण हुआ है और अब ये कुछ उनके अवशेष रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत आक्रमण किया है बुरी आक्रांताओं ने हमारे प्राचीन धरोहरों पर। तो आप अगर देखोगे ना अब उनके कुछ अवशेष रह गए। अब जैसे अगर मैं आपको ये वाली दीवार को दिखाऊंगा ना तो आप देखो ध्यान से, रुको एक सेकंड, हिल रहा है कैसे ध्यान से, हाँ अब आप देखो यहाँ पर ये पत्थर लगे हुए हैं, और बीच बीच में देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ये पुरानी किसी की डिजाइन है, और क्योंकि इन पर आक्रमण हुए तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा हिस्सा पुरानी चीजों का भी है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, हाँ अब तो वहीं से तो ये देख सकते हैं आप इस दीवार में पुराने पुराने जो अवशेष रह गए ना, ये देखो ये पिलर, ये पिलर जी जैसे लग रहा है जैसे कि तोड़ के इनको फिर से जोड़ा गया है। ये बीच में देखिए ये फूल है बस इतने हिस्से में, है ना। यहाँ पर भी कोई ये डिजाइन है, ये देखिए पुराने जैसे हमारे मंदिरों में डिजाइन होती है उस तरह की ये डिजाइन यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि इन पर बहुत आक्रमण हुआ है ना, इस वजह से ये जो पुरानी चीजें हैं अब ये इनके कुछ अवशेष ही रह गए हैं। ये देखिए आप जैसे हमारे पुराने मंदिरों में होता है। अब ये देखिए अगर आप यहाँ पर नीचे ये देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे जो है कुछ टाइल पे नाम लिखे हुए हैं, तो ये उन भक्तों के नाम है जो कि जिन्होंने मंदिर में अपना सहयोग किया है, तो वो लोग यहाँ पर अपना नाम। और ये मैं बता दूं कि जमीन पर जो अपना नाम लिखवाने का क्या कारण है, इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, जो कि निधिवन के पास में एक शाहजी का मंदिर है जिसको जिसमें एक बसंती कमरा है। इसकी कहानी ये है कि जो कि नाम लिखा रहता है ना, तो इन लोगों के नाम पर मिट्टी लगती है, ब्रज की रज लगती है, यानी कि ये इतने अपने आप को धन, ये मतलब बहुत पुण्य का काम है कि जब इन पर से लोग निकलते हैं तो इनके जो नाम पर ब्रज की रज लगती है, और जैसे हर एक एक इंसान इन पर से गुजरता है तो ब्रज की रज लगती जाती है। तो ये नीचे नाम लिखाने का एक मुख्य कारण ये है। तो ये बाहरी हिस्सा है, अब हम इधर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक कुआं है जिसमें की राधा रानी ने यहाँ पर की यशोदा मैया श्री कृष्ण के लिए खाना बनाने के लिए पानी भरकर लाती है। यहाँ पर इस कुएं से यशोदा मैया जो है जल लेके जाती थी, कान्हा जी के लिए खाना बनाती थी, यही वो प्राचीन कुआं है। देखिए आप, हाँ ये देखिए, ये जो प्राचीन कुआं है इसी से जो है जल लेकर जाती थी। और यहाँ पर आप बैठने के जो जो बैठने का यहाँ पर बना रखा है ना, उनको देखिए, ये भी बहुत प्राचीन लग रहे हैं मुझे, और ऐसे लगता है कि जैसे ये भी मंदिर का हिस्सा रहे होंगे। देखो अगर आप देखोगे ना तो ये बैठने का नहीं लग रहा,
ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी दीवार का कोई पिलर था, और अगर आप सामने उस पत्थर को देखोगे, जो पत्थर रखा हुआ है उसको मैं दिखाता हूँ पास से, आप देखिए। प्राचीन टाइम में जैसे छत पर जो पत्थर लगे रहते थे ना, उस तरह का पत्थर है, और उसको वहां पर देखिए पास से, पुरानी उसमें डिजाइन लगी रही है जैसे मंदिरों में दीवारों पर होती है, और इसको देखिए यहां पर, आप इसको देखिए यहां से, ऐसे दिखाओ इधर से आके। हाँ ये देखिए यहां पर, और ये फूल बना हुआ है, ये फूल बना हुआ है। तो ये जो गोकुल है ना, इसमें खासकर की महावन जो है, महावन जो है यहां पर बहुत आक्रमण हुआ है, और महावन को तो लगभग नष्ट सा कर दिया था। इसकी भी एक कहानी है बहुत, वो भी मैं किसी दिन बनाऊंगा आपको, उसको भी बताऊंगा। आइए हम देखते हैं मंदिर का पिछला हिस्सा और जाके, और फिर उसके बाद मंदिर में अंदर जाएंगे। पिछले हिस्से में देखो, आपको दूर से यहां से यमुना जी दिखाता हूँ, और ये जो वृक्ष है, ये निधिवन में जैसे तुलसी के वृक्ष है ना, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं। ये देखिए कितने प्राचीन वृक्ष हैं ये, और वृक्षों के ऊपर वहां पर बंदर भी बैठे हुए हैं। ये देखिए निधिवन जैसे वृक्ष लग रहे हैं यहाँ पर। और मैंने देखा है कि ब्रज मंडल में आपको इस तरह के वृक्ष बहुत मिलेंगे, जिनको कि तुलसियों का, तुलसी का जो है पेड़ माना जाता है प्राचीन काल में। निधिवन में भी सारे इस तरह के जो है तुलसी के वृक्ष हैं। तो ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, ये देखिए एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है, ऊंचे टीले पे बना हुआ प्राचीन योग माया मंदिर है। इसका पिछला हिस्सा देखने के बाद में फिर हम इस मंदिर के अंदर जाएंगे, और अब हम देखते हैं यहां से कितना और ये अच्छा लग रहा नीचे है। देखिए ये रोड जाता हुआ, और वहां ऊपर, और ये ऊपर, ये यहाँ पर एक वानर महाराज, बहुत सारे वैसे तो। और ये देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा आ रहा है, और ये देखिए इस पेड़ के नीचे से, यहाँ से कि कुछ शॉर्टकट सा है नीचे जा रहा है बिल्कुल ही। तो ये बहुत प्राचीन लग रहा है मुझे मंदिर, और यहाँ पर जो है बहुत ऊंचाई पे बना हुआ, पीछे के हिस्से से जाके भी दिखाता हूँ उधर की तरफ से। ये यहाँ पर चरण चिन्ह के दर्शन है, और ये पीछे के हिस्से में चलते हैं अब हम यहाँ पर। ये देखिए आप नीचे का व्यू, और ये दूर वहां पर यमुना जी जा रही हैं, पर वो दिखेंगे नहीं, काफी दूरी पर है। नीचे ये कम से कम 20-30 फुट पे जाके ऊपर बना हुआ है ये योग माया का मंदिर। ये पीछे का हिस्सा है जब आप परिक्रमा करते हो वहां पर, और ये देखिए ऐसी यहाँ पर दीवारें हैं, उनमें प्राचीन ईंटें लगी हुई हैं, पुराने टाइम की होती थी। ये पीछे का हिस्सा है, और ये यहाँ से देखिए कैसा, अगर कोई गलती से गिर जाए तो सीधे रोड पर ही गिरे। ये पीछे का हिस्सा जिसमें कि एक थोड़ा सा छोटी सी खिड़की, और यहाँ से देखिए ये अलग ही अलग, ये देखिए। और यही पास में ही चौरासी खंभा भी है, और आज मौसम भी बहुत साफ है, थोड़े से बादल हुए थे और थोड़ी बारिश होने के बाद में देखिए मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। इस खिड़की में से ये अंदर जो मंदिर है, ये वहां के दर्शन राधा कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। आइए और परिक्रमा लगाते हुए आगे चलते हैं। एक और छोटी सी ये खिड़की सी बनी हुई है, और यहाँ पे दुर्गा माँ दिखेंगी आपको, ये बैठी हुई है दुर्गा माँ, अलग ही दर्शन दिख रहे होंगे आपको। ये तो नंद बाबा है, श्री कृष्ण है ये, क्योंकि तो मंदिर अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। ये नंद बाबा और श्री कृष्ण दिख रहे हैं मुझे शायद, क्या आवाज आ रही है इसमें से। हाँ ये, और ये हम वहां नीचे खड़े हुए थे अभी, वहां से नीचे से ये इसको ऊपर देख रहे थे। और ये जो रोड है ना, ये रोड ये सीधा इधर की तरफ, यहाँ पर ये रोड सीधा 84 खंभा मंदिर में जाता है गोकुल में। अद्भुत दर्शन करेंगे श्री कृष्ण की बहन योग माया, जिनको कि बदले में योग जो है मथुरा ले गए थे, और कंस ने जिसको पछाड़ के मारा था, तो वो आसमान में चली गई थी, और उन्होंने आकाशवाणी करी थी कि तू जिसको मानना चाहता है उसका जन्म तो पहले ही हो चुका है। तो आइए मेरे साथ में अंदर चलते हैं, मन में राधा कृष्ण नाम का भाव लेते हुए। ये देखिए ऊपर नंद किला यशोदा भवन लिखा हुआ है, इसमें अंदर चल के आइए, दर्शन कराता हूं मैं। राधे राधे, ये देखिए कितने प्राचीन गेट पुराने समय के होने का एहसास कराते हुए, और यहाँ पर आपको ये सामने ही देखिए, ये देखिए यहाँ पर योग माया जी का स्वरूप रखा हुआ है, और पीछे शेरों वाली माता है, और
ये आप देखिए ध्यान से, क्योंकि ये अभी मंदिर का लॉक लगा हुआ है। ये आप दर्शन कर लीजिए योग माया पे, श्री कृष्ण की बहन जिनको माना जाता है, जिसको कि कंस ने मारने की कोशिश करी थी। पर आज आपने दर्शन करे हैं ब्रज दर्शनम चैनल पर प्राचीन योग माया मंदिर, जो कि 84 खंभा गोकुल के बिल्कुल पास में है और करीब 20-30 फुट ऊंचे टीले पे बना हुआ है। और ऐसे ही आप हमारे साथ में दर्शन करते हैं ब्रज के उन स्थानों के जो कि बहुत प्राचीन है और शायद समय के अभाव में जो भक्त हैं वो शायद नहीं देख पाते हैं। तो ब्रज दर्शनम चैनल पर हर मंगलवार और शुक्रवार को आपको ऐसे ही शाम को 6 बजे ऐसे ही किसी ना किसी जगह के ब्रज मंडल के किसी के और एक प्राचीन स्थान के दर्शन मिलते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो अपने भाव हमारे साथ में शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और राधे राधे लिखें अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है कि आपको हम अच्छे से अच्छी जगह पे दर्शन करा सकें। और आप जहां पर नहीं जा सकते समय के अभाव से, या फिर आप बहुत दूर हैं, साल में कि एक बार आपको शायद समय मिलता हो उसमें आप लोग जाके नहीं देख सकते हैं, तो ब्रज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी और ब्रज के किसी स्थान पर। तब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे।